राजधानी रायपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, बदमाश बेखौफ हो गए हैं, उन्हें अब कानून से भय नहीं रहा है। अब पुलिस जवानों की पिटाई तक कर दी जा रही है। बताया जा रहा है दो गुटों में हो रही मारपीट को रोकने गए पुलिस जवान की पिटाई कर दी गई है। मारपीट में जवान का सिर फट गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि पूरी घटना शनिवार रात की बताई जा रही है, जब भाजपा तेलीबांदा मंडल के अध्यक्ष जितेंद्र साहू, मंडल महामंत्री प्रेम कुर्रे, मनीष कुर्रे समेत आधा दर्जन लोगों पर मारपीट का आरोप लगा है। फिलहाल जवान ने तेलीबांदा थाने में अपनी शिकायत की है। जानकारी के मुताबिक शनिवार की रात सांसद सुनील सोनी और पूर्व भाजपा विधायक श्रीचंद सुंदर रानी तेलीबांदा स्थित गणेश पंडाल में आरती के लिए पहुंचे थे। जैसे ही ये आरती करके लौटे, उसके चंद घंटों बाद दो पक्षों में विवाद हो गया, जहां जमकर मारपीट हुई। इसी बीच एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट के तेलीबांदा बीट का जवान दिलीप जोगदंडे मामले को शांत कराने पहुंचा, तभी बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया, जिसकी शिकायत तेलीबांदा थाने में की गई है। सूत्रों की माने तो भाजपाई होने की वजह से मामले पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको बता दें कि जवान पर दबाव बनाने की भी कोशिश की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की कार्रवाई की है, मगर पुलिस की इस कार्रवाई से बदमाशों के हौसले पस्त नहीं हो रहे, क्योंकि पुलिस की ऐसी कार्रवाई पहले भी होती रही है। अब देखना होगा कि राजधानी की पुलिस ऐसे बदमाशों को किस तरह सबक सिखाती है। तेलीबांदा थाना क्षेत्र में एक विवाद को सुलझाने के पर साइबर की टीम सिविल में थी और पहुंची, तो उस पर विवाद हो गया और वो समझ नहीं पाया और उनके साथ झड़प हो गया, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।